जंगल में जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ था तो बारिश हर रोज ही हो जाया करती थी। भूरी और कालू का बेटा कल्लू, जो हर रोज कोई ना कोई शरारत करता ही रहता था, वह अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे रेनबो देखने जाना है, प्लीज जाने दो ना। कल्लू बेटा, बादल बहुत गहरे हैं और हवा भी तेज है, ऐसे मौसम में बाहर नहीं जाया करते, घर में ही रहते हैं। कल्लू अपनी मम्मा की बात सुनकर चुपचाप रहता है, पर थोड़ी देर बाद अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो ना। बेटे, थोड़ी देर में बारिश शुरू ही होने वाली है, तुम खिड़की पे बैठकर बारिश का पानी पी लेना। मगर मम्मा, मुझे पानी अभी पीना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ नदी पे पानी पीने। ऐसे कल्लू अपनी मम्मा से झूठ बोलकर अपने घर से निकल जाता है। मैं गुनगुन को भी साथ ले चलता हूँ, साथ साथ रेनबो देखने में तो बहुत ही मजा आएगा। ऐसा सोचते हुए कल्लू रानी चिड़िया के बेटे के घर की तरफ जाता है। गुन्नू गुन्नू, तुम्हें मेरी मम्मा बुला रही है, उन्हें कुछ काम है, वह कह रही थी कि गुन्नू को घर बुला लो, मैंने पकौड़े बनाए हैं, वो भी खा लेगा। मम्मा मम्मा, मुझे कल्लू बुलाने आया है, उसकी मम्मा ने मुझे पकौड़े खाने बुलाया है। रानी चिड़िया सो रही थी, वह कहती है, जाओ बेटे पर जल्दी आ जाना, मौसम खराब हो रहा है, जल्दी बारिश भी होने वाली है। ऐसे कल्लू गुनगुन के साथ वहाँ से उड़ता है। अरे कल्लू, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जा रहे, तुम तो मुझे पहाड़ों की तरफ ले जा रहे हो। मैंने झूठ बोला था, हम तो रेनबो देखने जाएंगे। रेनबो का तो सुनकर गुन्नू भी खुश हो जाता है। बहुत अच्छा किया कल्लू तुमने, अगर तुम माँ को सच बताते तो मम्मा मुझे कभी भी नहीं भेजती। हवाओं के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे, पूरे जंगल में सिर्फ कल्लू और गुन्नू ही थे, जो पहाड़ों की तरफ उड़े ही जा रहे थे। अपनी खिड़की में बैठा हुआ कबूतर कल्लू और गुन्नू को देखकर आवाज लगाता है, रुको रुको छोटे बच्चों रुको। कबूतर अंकल, क्या बात है, आपने हमें क्यों रोका, हम बहुत जल्दी में हैं, हमें जाना होगा। बच्चों, ऐसे मौसम में तुम पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहे हो, जाओ अपने घर जाओ। अरे अंकल जी, आप तो बुड्ढे हो और हम जवान, हम ऐसी बारिश में उड़ सकते हैं, चल गुन्नू। ऐसे ही समय खराब कर दिया अंकल कबूतर ने हमारा। नहीं कल्लू, अंकल कबूतर ठीक कह रहे हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। वे दोनों फिर से उड़ते हैं और पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने बहुत ही सुंदर रेनबो था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वे दोनों रेनबो को देखकर इतने खुश थे कि ये भी भूल गए कि वह दोनों अपने घर से कितनी दूर थे। वाओ, ये नजारा तो बहुत ही खूबसूरत है। ये सब तुम सिर्फ मेरी वजह से ही देख पा रहे हो। पहली बार देखा है मैंने इतना खूबसूरत रेनबो को। एक काम करते हैं, ये रेनबो उस ऊंची पहाड़ी के पास है, चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर दोनों रेनबो को देखने के लिए फिर से उड़ते हैं, मगर वह जैसे जैसे आगे उड़ते हैं वैसे वैसे रेनबो उनसे दूर होता जाता है। उड़ते उड़ते वह थक जाते हैं, मगर रेनबो तो दूर ही हुए जा रहा था। फिर वह थक कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। थक गया, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और आगे नहीं जा सकता। फिर वह दोनों रेनबो को देखते ही रहते हैं। आसमान में बादल इतने गहरे थे कि सूरज का तो पता ही नहीं था और अंधेरा जो हो गया था।
कल्लू कौवे की मम्मा भूरी अपने बेटे को लेके बहुत ही परेशान थी। कालू जी जरा उठो और कल्लू को देख के लाओ, वो अभी तक घर नहीं लौटा है। बारिश भी बहुत तेज है, ऐसे मौसम में मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। वो हमेशा मुझे परेशान करता है, उसे घर से जाने ही क्यों दिया तुमने भूरी? फिर वह कल्लू को ढूंढने निकलता है, नदी पर कल्लू तो था ही नहीं। वह सीधा चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, आप ऐसी बारिश में मेरा गुन्नू आपके घर में ही है ना? क्या कहा, गुन्नू भी घर पर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही कहीं गए हैं। ऐसे मौसम में बच्चे कहाँ जा सकते हैं, हमें बच्चों को ढूंढना होगा। फिर चिड़िया और कालू बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। वह पूरे जंगल में ढूंढते हैं। वह फिर तोते के घर भी जाते हैं। नहीं, वो दोनों यहाँ तो नहीं आए। फिर वह दोनों बुलबुल के घर जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर वह कबूतर के घर जाते हैं। वे दोनों यहाँ से गुजर रहे थे। मैंने पूछा तुम यहाँ, तो बोले हम रेनबो देखने जा रहे हैं। हे भगवान, ये तो पहाड़ों की तरफ गए हैं। चलो कालू भैया, ये दोनों पहाड़ों पर रेनबो देखने गए होंगे, जल्दी चलो। कौवा और चिड़िया जल्दी से उड़ते हैं। वो बहुत परेशान थे। जब वो पहाड़ पर पहुंचते हैं तो वहां तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। दोनों बेचारे रोने लगते हैं। हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। लगता है हमारे बच्चे को किसी ने पकड़ लिया है, या फिर तेज हवा से खो गए हैं। कल्लू और गुन्नू रास्ता भूल चुके थे। वह बेचारे कभी इधर उड़ते तो कभी उधर। रात भी हो गई थी। तेज बारिश में उड़ते उड़ते वह बहुत थक चुके थे। बादल की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक में चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। कालू भैया चलो वहाँ उस तरफ। कालू और चिड़िया तेजी से उड़ते हैं। सामने एक पेड़ पर बैठे कल्लू और गुन्नू रो रहे थे। कौवा और चिड़िया उनके पास पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा के गले लग जाते हैं। बच्चों, बहुत रुलाया आपने हमें, बहुत परेशान किया हमें आपने। ऐसे कोई अपने मम्मी पापा को तंग करता है भला? दोनों बच्चों के पास कोई जवाब ना था, बस वे तो रोए जा रहे थे। फिर सभी अपने घर वापस आ जाते हैं। कल्लू और गुन्नू को सीख मिल चुकी थी। वे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा जो थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए।